सब्सिडी तो आप देने वाले हैं, जब आप 10 आदमी को रोजगार दे रहे हैं तो आप सब्सिडी के हकदार हैं। आप तो इंडस्ट्री जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं उसमें, ये तो अभी थोड़ा हुआ है, आप तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मैं स्कीमें जो अपना बजट की बात बोल रहा हूँ ना, कि बजट को मैं डेवलप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हाईटेक मैंने इसको ये लोग और इरिगेशन के लिए करना, ये लोग जो है वार्निश करते हैं, वो सिस्टम बिठाना है हाईटेक, ये वार्निश नहीं तो वो उसके लिए खर्चा लगेगा, ये लोग वार्निश करते हैं बाद में तोड़ने के बाद। बना रहा हूँ तो 2-4 साल में इसको मैं फिट कर दूंगा, जिसमें मेरा स्प्रे का काम, इरिगेशन का काम, इसमें फॉगर टाइप लाइने भी छेगी, फॉगर टाइप स्प्रे का नीचे से ऊपर से अरे से परे से वो सारा कुछ एक ही जगह से ऑन होगा, ऐसा होगा। अभी था मेरे को ये लैंडस्केपिंग ऑर्चर्ड को सेट करना, अब इसके ऊपर करना एक जो मैकेनाइजेशन जो है वो वर्किंग, तब तो आपने स्विच ऑन किया और स्प्रे हो गया, हो गया 3 घंटे में वो जितना फेंक देगा फेंक देगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे, ये कोई बड़ी मुश्किल काम है नहीं, फॉरेन कंट्री वाले कौन से धरती से कौन से उतर के आए आसमान से, उनको भेजा कि स्पेशल तुम यहाँ ये करो, भी करके देखा जी। उनको जब समस्या आती है ना, वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वो भागते नहीं है, भाग के तो मरना है ना। ठीक है, हम है भागते, हम करते पलायन, हम स्टेबल नहीं होते है। अगर समस्या आ जाएगी या काल पड़ जाएगा या कोई भी, हम तो भागने अपने परिवार चक के चलो भाई, यहाँ तो भूखे मर रहे है। अरे ठीक है, भूखे तो मर रहे है, आप ये भी ढूंढो ना इस जगह में कुछ ऐसा हो सकता है नया। बिल्कुल, उसी को बोलते हैं कि जीवन की जो हमने संभावनाएं धरती के ऊपर भी तलाशी है ना, तब यहाँ जीवन है। जब उसमें रिसर्च करने वाले, जीवन को स्टेबल करने वाले लोग आए, उनने बोला वो टिक करके वही जीवन ढूंढ तलाश कर, जुगाड़ कोई ना कोई इत्यादि रिसोर्सेज। बिल्कुल, हम भाग रहे रिसोर्सेज के लिए 50-100-200 किलोमीटर, परिवार चका अपने बच्चे वही पैदा किए, वो वहाँ कोई ठेले में लगा दिया, कोई किसी में लगा दिया, कोई वो जनरेशन वह चली गई। ठीक है, एम्प्लॉय वो बना दिए दिहाड़ीदार, जमीन ही होगी घर में खत्म। रीजन कि हम इनोवेटिव नहीं हुए, हम रिसर्च करने वाले नहीं हुए। रिसर्च तुम्हारे पास है, रिसर्च कौन सी लैबों से ही होनी है। ये जो धरती के ऊपर जो नेचर ने एक लैब बनाई है ना, सबसे बड़ी लैब ये है, जिसमें हम पैदा भी हो रहे हैं, पनप भी रहे हैं, पौधों में फ्रूट लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है जानवर भी जी रहे, सब सबका पर्याप्त है ना, यहाँ पे इस लैब के अंदर ही है ना हम सारे। हम लैब से रिसर्च करने लग गए, इसको समझो, इस लैब को, हमारा बर्थ कहाँ हुआ है, हमारी कंडीशंस कहाँ है, किस जगह पे हम, हमारी वहाँ समस्याएं क्या है, किस तरह की कमियां जी। ठीक है ना, ताकि वो समस्या जो है मेरी नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी की समस्या है। अगर किसी को दिखना शुरू हो जाए तो उसको उसके ऊपर अमल करना शुरू करना चाहिए कि कम्युनिटी के लिए समस्या खड़ी हो रही है, तो बुद्धिजीवी का मतलब होता है उस समस्या को उसी जगह पे टैकल करना, उसी को कंट्रोल करके कि आप आपकी अगली पीढ़ी के ऊपर इसका कोई असर ना आए, पलायन ना हो जाए। टेक्नोलॉजी वहीं मिल जाएगी हमारे को, पानी के, आपको मैं हमीरपुर की बात बताता हूँ, हमीरपुर में पानी नहीं मिलता, वहाँ से पानी के लिए वहाँ से बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट आर्मी में ज्यादा है, आर्मी में ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हर घर से नौकरी में चाहिए। वहाँ क्या पानी पीने के लिए भी 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ पे 3 किलोमीटर में जिसको पानी मिलता है ना, ढांकों में उनने खोद के बनाए हुए है, जिसने खोदा वहाँ पे लॉक लगाए हुए है लोहे के बना के ताड़े, ऐसे भी कंडीशन है हमारे, जो सर्वाइवल की होती है ना एक लड़ाई। होता क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी या हमारे अंदर विजन होता तो हम सतलुज का पानी वहां पहुंचाए, ठीक है ना, पहुंच सकता है ना, सही बात है, बगल से तो जा रही है, जा रही है ना, वो बह रहा है, वेस्ट बह रहा है, छत जो ऊपर से गिर रहा है वो भी बह रहा है, हम सो रहे हैं आराम से। ठीक है, इसका मतलब हम अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी की। वो जो लोग है वो अवेयर इसलिए है कि एक तो पॉपुलेशन में कम है उन कंट्रियों में, जहां पे लोग पॉपुलेशन में कम होते हैं वहां पे वो जो है समस्याओं को कलेक्टिव करते हैं, क्योंकि वह आदमी की जरूरत है, आदमी नहीं मरना चाहिए, करेक्ट, ठीक है ना, वह उसकी कमी कौन पूरी करेगा आदमी की,
आदमी मर गया तो डेड हो जाएगा वो, फिर वो कम्युनिटी धीरे धीरे सारी मर शुरू हो जाएगी। उसमें चर भी गया, अच्छा पहलवान भी गया, अच्छा किसान भी गया, ठीक है। इसलिए कम लोग है, जब हमारे गांव में भी कम लोग होते थे तो वो जुड़ करके रहते थे। किसी के परिवार में बीमार हो रहा है तो वो सब उसका इलाज के लिए इकट्ठे हो जाते थे, कुछ भी करने के लिए सारे तैयार होते थे। कैसे बचे, क्योंकि वो संख्या कम थी। यहाँ क्या हो गया, संख्या हो गई ज्यादा, ठीक है। ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा हम जो है झुंड में जीना शुरू कर दिया हमने, इकट्ठे ज्यादा हो गया, हम फैल के नहीं जी रहे, हम ढूंढ के नहीं जी रहे, ठीक है ना। हम कहाँ जा रहे, गांव का जो फैले हुए थे ना, गांव से और फैल जाते। आप चले गए झुंड में शहर में, ठीक है, वहां झुंड में जो है एक ब्लॉक में ही 500 आदमी रह रहा है उसी झुंड में, जैसे मुर्गे नहीं होते रखे गाड़ी के अंदर जंगले में, कर क्या रहे आप वहाँ, ठीक है ना। गाँव के आओ, हवा में आओ, खुले में फैल के आओ, वहाँ उसके पैसे के लिए जुगाड़ करो ना, उसके पैसे भी दे रहे हैं वो मुर्गे खाने में, अच्छे खासे पैसे दे रहे हो उसके रहने के। ऐसी हमारी जो एक वो चली ना, अब गांव की तरफ हम हिंदुस्तान जो बोलते ना, हिंदू भारत, गांव का भारत शहर की तरफ चला गया ना, पलायन किया उसने, ठीक है ना, वो बन गया इंडिया, जो गांव था वो रह गया भारत, भारत। इंडिया और भारत दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। ये भी आपसे इंस्पायर हो गए, बॉम्बे बोलो बाइंड अप करता हूँ मैं भी, प्लीज। जब मैंने कहा आपका गांव नहीं, प्लीज प्लीज चलो दे दो, आप ले लो, चलो एनर्जी वेस्ट हो रही है, लो इनको पी लो, मैं यहाँ पी लूंगा, कोई बात नहीं, नहीं पी लो जी, अरे पी लो जी, अरे पी लो जी, आप आके फैल जाओ, बोलो उधर से पहले शौक भी होता है, पहले सर जैसे मेरे को ए से शुरू करना है तो उसमें आपकी हेल्प कैसे, क्या अब मैं आपसे जुड़ने के लिए मैं क्या करना है ये समझाओ आप, अब आपसे जुड़ना भी है, दूसरा मेरे को आपसे बाकी चीजें भी चाहिए होंगी, स्टूडेंट मेरे को।